दोस्तों आज हम यामा एफजेड का टियर डाउन करने वाले हैं, तो वेरियस जो कंपोनेंट्स हैं इंजन का वो हम डिसअसेंबल करेंगे। तो आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि कैसे आप एक एक कंपोनेंट को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो पहले ही अगर हमको इंजन में काम करना होगा तो हमें पहले सीट को रिमूव करना होगा, उसके बाद टैंक को, और फिर एक एक करके फ्यूल इंजेक्टर, थ्रॉटल बॉडी, सारी चीज़ को डिसअसेंबल करना होगा। तो चलिए देखते हैं एक एक स्टेप कैसे ये किया जाता है। पीछे वाला सीट को आप बस की से रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पर वो भी नहीं हो रहा है। और ये वाला सीट रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पर 2 10 mm की बोल्ट्स दी गई है जिसको आप एक स्पैनर की मदद से खोल सकते हैं। साइड पैनल्स को निकलने के लिए आपको यहाँ से स्क्रू दी गई है और ये दोनों स्क्रू निकलने से ही आपका साइड पैनल बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको यहाँ से निकलना है। ये सारे एलन बोल्ट को निकलने के बाद इसके सामने एक एलन बोल्ट है जिसे निकलने से आपका साइड कवर बाहर आ जाएगा और इसी के साथ ये कवर भी बाहर आ जाता है। अभी ये टैंक को हम नहीं निकालेंगे, बस यहाँ से हमको फ्यूल पंप का क्लिप को निकालना है और उसके बाद ये लाल कलर का जो क्लिप आप देख सकते हैं इसे निकलने के बाद ये पाइप आप यहाँ से निकल सकते हैं। इसे निकालना थोड़ा ट्रिकी है, आपको निकालने के वक्त आपको नीचे से इसे और ऊपर से एक साथ प्रेशर देना है और ये निकलेगा। ये कुछ इस तरह का एक क्लिप है, देख सकते हैं। अभी ये पाइप यहाँ से निकल आएगा। ये जो लॉक है इसे ये वाला नॉब से पकड़ के रखता है तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी इसे ध्यान से निकल, तो एयरबॉक्स को निकलने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 10 mm की बोल्ट है तीनों साइड में, तो इसे हमें जल्दी से निकाल लेना है। एक टी रेंज की इस्तेमाल करेंगे हम लोग यहाँ पर। अभी ये जो जॉइंट यहाँ पर लग रहा है थ्रॉटल बॉडी से, अभी इसको पहले आपको पीछे की तरफ खींचना होगा और यहाँ जॉइंट को यहाँ से निकालना होगा। ये यहाँ से निकल गया, अभी हम एयरबॉक्स को यहाँ से निकल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये एयरबॉक्स निकलने के लिए ये साइड वाला पैनल भी निकालना पड़ रहा है। ये निकलने के बाद यहाँ से बाहर आ जाएगा। यहाँ पर ये थ्रॉटल बॉडी को हम निकालने वाले हैं, तो इसके लिए हमें ये वाला एलन की को ढीला करना होगा। इसके बाद एक्सेलरेटर के लिए को हमें निकालना होगा। देखो दोस्तों यहाँ पर हमारा पूरा थ्रॉटल बॉडी निकला है। अभी थ्रॉटल बॉडी में यहाँ से एक और प्लग रहता है, तो ये वाला प्लग है। अभी ये जो यहाँ पर आपको जो भी प्लग्स दिखेंगे यहाँ पर फ्यूल पंप में, थ्रॉटल बॉडी में, सभी प्लग डायरेक्टली पुल करने से नहीं निकलेगा। यहाँ पर एक क्लिप रहता है, ये क्लिप को अगर पुश करके पुल करेंगे तभी ये बाहर निकलेगा। कभी कभार ये टाइट हो जाता है पर इसे पुश करके ही आपको बाहर निकलना है। देखा, अभी ये बाहर आ सकता है इसके मदद से। अभी हम इसे क्लीन करेंगे
और फिर हम भरेंगे इंजन को निकलने की तरफ। वैसे ये हीट सेंसर का प्लग निकल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसे आपको नीचे यहाँ पर पुश करने के लिए एक प्लेस दी गई है। ये एक लीवर है, इसे आपको नीचे पुश करना है और फिर आपको इसे बाहर निकालना है। हम यहाँ पर एल एन की चला सकते हैं और फिर इंजेक्टर को इंजन से अलग कर सकते हैं। यहाँ पर आप छोटा एल एन की से भी ये खोल सकते हैं। आपको नीचे एक स्क्रू ड्राइवर का हैंडल लगाना है और ये निकल जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसे आप एफजेड एफआई की हर एक पार्ट्स को डिसअसेंबल कर सकते हैं, और इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इंजन को डिसअसेंबल कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और ये वीडियो को पसंद आने से अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई और इससे बेनिफिट ले सकता है तो प्लीज़ आप उसके साथ इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और मैं आपसे मिलूँगा दूसरे पार्ट में, जहाँ पर मैं इंजन की डिसअसेंबली करूँगा और वेरियस इंजन्स के वर्क्स यहाँ पर इस बाइक में होने वाला है। और आने वाले वीडियोस में मैं सिर्फ यामाहा के नहीं बहुत से बाइक में काम करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, और मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट किस वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।